बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल न्यू रेसिपी अपने स्टाइल में। बहुत से लोगों ने हमसे फरमाइश की थी कि हम उन्हें चपली कबाब बनाने सिखाएं, इसलिए हम आज आपके लिए चपली कबाब की रेसिपी लाए हैं। कि हम उन्होंने बोला था कि हम उन्हें सिखाएँ कि हम किस मेथड से बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चपली कबाब बनाना रेसिपी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए रेड बटन दबाएं एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं चपली कबाब। हमने बीफ कीमा लिया है 1.5 किलो। आप कोई सा भी मीट यूज़ कर सकते हैं, मटन या बीफ, आपकी मर्ज़ी। उस हिसाब से हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको हमने कीमे वाली मशीन में ही पीस के उनमें से पानी ड्रेन कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। प्याज में पानी नहीं होना चाहिए, अगर पानी होगा तो हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे। इसलिए चाहे आप इसको चॉपर में पीस लें, सिल पे पीस लें, या आप इसको कीमे वाली मशीन में ही इसको पिसवा लें, तो लेकिन इसमें से पानी ज़रूर ड्रेन कर लें, पानी नहीं होना चाहिए प्याज में, ठीक है। उसके बाद हमने 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको हमने पीस लिया है, वो ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। अनारदाना 1 चम्मच, उसको भी हमने पीस लिया है सील में। अजवाइन 1 चम्मच, साबुत धनिया ग्रेट किया हुआ, वो अंदर डाल दें। इसको हाथ से मसल के डाल दें या आप इसको ग्राइंडर में कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बाद काली मिर्च डालेंगे 1 चम्मच, नमक हसबे जायका, लाल मिर्च हमने 1.5 चम्मच ली है, आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। गरम मसाला 1 चम्मच। अगर आपका कीमा 1.5 किलो है या आपका कीमा किलो है तो उसमें आप 250 ग्राम चर्बी ऐड करेंगे। चर्बी की वजह से कबाब बहुत मज़े के बनते हैं, कबाब बहुत टेस्टी बनेंगे चर्बी ऐड करने की वजह से। 1 किलो कीमे के हिसाब से आप उसका 1/4 हिस्सा चर्बी ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें हम डालेंगे मकई का आटा 3 से 4 चम्मच, तकरीबन हाफ कप बन जाता है ये 3 से 4 चम्मच, वो ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्जी, वरना आप इसको स्किप कर दें। इसके बाद हमने 2 अंडे लिए हैं, वो ऐड कर लें, ठीक है। एक हमने मीडियम साइज का लीमू लिया है फ्रेश, उसका रस ऐड कर लें। नींबू का रस डालने के बाद हाथों को अच्छे से वॉश कर लें, सैनिटाइज कर लें आप, क्योंकि हमने इसको मटेरियल को हाथों से मिक्स करना है। जितने अच्छे से हमारा मटेरियल मिक्स होगा उतने अच्छे कबाब बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। बहुत ज़्यादा शिकायत आती है कि चपली कबाब टूट जाते हैं, उसकी सिर्फ एक वजह है कि कीमा मोटा होता है। आप कीमे को जितना बारीक पसवाएंगे उतने अच्छे कबाब बनेंगे। आप अपने जहाँ से आप शॉप से कीमा लें उनसे आप बोलें कि या खुद बनाएं तो आप मशीन में से 2 दफ़ा उसको गुजार लें, वरना आप जिधर से कीमा आप बाय करें वहाँ से आप उनको बोलें कि आप कीमे को 2 बार मशीन में से गुजार के दें, इससे बारीक कीमा हो जाएगा। जितना बारीक कीमा होगा कबाब उतने अच्छे बनेंगे। मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें, जितना अच्छा मिक्सचर अच्छे से मिक्स होगा उतने अच्छे हमारे कबाब बनेंगे। जी, मिक्सचर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको कवर करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद हम कबाब बना के फ्राई करेंगे। जी, कीमा हमारा मैरिनेट हो चुका है, अब हम कबाब फ्राई करेंगे बना के। सबसे पहले हम एक बाउल में पानी लेंगे, हाथ को पानी लगा के अच्छे से। फिर हम एक थोड़ा सा कीमा ले लेंगे, उसका पेड़ा बना लें। जितने साइज़ का आप चपली कबाब बनाना चाहें उस हिसाब से आप कीमा ले लें, ठीक है। दोनों हाथों से उसका पेड़ा बना लें अच्छे से ऐसे। पेड़ा बनाने के बाद इसको प्रेस करेंगे अच्छे से ताकि ये
भी ना, और जो अच्छे से इसको प्रेस कर लें और इसकी शेप बना लें। जी शेप हमने बना ली है, अब इसको एहतियात से उठा के हम फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ऑलरेडी हमने उसको फ्लेम पर रख दिया था फ्राई पैन को। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसको फ्राई पैन में डाल देंगे एहतियात के साथ और फ्राई कर लेंगे। बाकी के कबाब भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। इसको लो मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है ताकि ये जल भी ना जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। ठीक है, एक साइड से फ्राई होने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे एहतियात से ताकि ये टूट भी ना जाए। बिस्मिल्लाह, कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन। अब हम दूसरी साइड पका लेंगे इसकी अच्छे से। जी कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको हम डिश में निकाल देंगे फ्राई पैन में से। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, देखिए कितना प्यारा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन। माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। चलिए अब इन्हें सर्व करते हैं। जी हमारे चपटी कबाब हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। उम्मीद करते हैं आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। हमें दुआओं में याद रखिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही किसी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।